भारी बारिश के चलते नर्मदा नदी उफान पर है। इस वक्त हम मौजूद है गरुड़ेश्वर वियर डैम पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डैम है, नर्मदा नदी का जो रुद्र रूप है वो हमें देखने मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है, ओमकारेश्वर बांध और इंदिरा सागर बांध से पानी छोड़ा जा रहा है, वही पानी आता है सरदार सरोवर बांध में, और सरदार सरोवर बांध से करीब 836,000 क्यूसेक पानी फिलहाल छोड़ा जा रहा है जो गरुड़ेश्वर वियर डैम में आता है। और यहाँ पे जो डैम की हाइट है वो करीब 26 मीटर की है, पानी उसके ऊपर से बह रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जो पानी का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी फिलहाल भरूच नर्मदा वडोदरा जिले के जो तटीय गांव है नर्मदा नदी के किनारे पे बसे हुए, वहाँ पे अलर्ट घोषित किया गया है। साथ ही भरूच में जो पानी का लेवल है गोल्डन ब्रिज के पास वो करीब 31 मीटर तक पहुंच चुका है। तो वैसे में लगातार जिस तरीके से पानी का इनफ्लो है नर्मदा के सरदार सरोवर बांध पे, वैसे ही यहां से पानी छोड़ा भी जा रहा है, 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है, भरूच में NDRF की टीम को डिप्लॉय कर दिया गया है। साथ ही लोगों को ये कहा गया है कि जो गाँव नर्मदा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं वो गाँव वहाँ से खाली हो जाए, क्योंकि नर्मदा में और भी पानी आ सकता है। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ गोपी घांगर, गरुड़ेश्वर बांध।